भैया, ओ भैया, ओ भैया, बाहर गए हैं, लेकिन मेरी तो 3 दिन पहले ही भैया। अरे ओ भाई साहब, कौन हो और गेट के अंदर कैसे आए? मैं थोड़ी देर पहले ही आया और ये भाई साहब सो रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं डायरेक्टली चले जाता हूँ। वो शर्मा जी से मिलने आया था मैं। फ्लैट नंबर 23? हाँ, फ्लैट नंबर 23। पर वो लोग तो आज सुबह ही बाहर गए और शायद एक हफ्ते बाद लौटेंगे। उनके बच्चे का छुट्टी है ना, बैग वैग लेकर गए। आप कौन? मैं यहाँ का वॉचमैन हूँ। ये तो यहाँ नया आया है। अच्छा, वो बाहर गए हैं मुझे बताया एक आदमी ने, लेकिन अब मैं वापस जा रहा हूँ। किधर? स्टेशन। इस टाइम कौन सी ट्रेन मिलेगी आपको? आखिरी ट्रेन का टाइम तो निकल गया। स्टेशन यहाँ से बहुत दूर है, चल के तो जा नहीं सकते। हाँ, कैब का भी स्ट्राइक चल रहा है और रिक्शा और टैक्सी भी 4 बजे के पहले मिलने नहीं वाली। एक काम करो, आप मेरे साथ आओ, यहाँ बहुत ठंड है। मेरे पीछे एक खोली है, वहाँ मैंने आग जला रखी है, थोड़ा आग सेक लो, टाइम तो देखते देखते निकल जाएगा, फिर चले जाना। चलो ठीक है। आपने आने से पहले फ़ोन नहीं किया था क्या उनको? वो मैं सरप्राइज देना चाहता था। सरप्राइज देने आए थे और अब खुद ही सरप्राइज हो? हाँ, वो मैंने एक्चुअली फ़ोन भी किया था, लेकिन उनका फ़ोन लगा नहीं। कहाँ से आए हो? कल्याण से। वैसे आपका नाम क्या है? राहुल। आप यहाँ पहली बार आए हो? हाँ, मैं पहली बार आया हूँ। इसलिए? इसलिए मतलब?
मतलब कि इसलिए आपको यहाँ के बारे में मालूम नहीं? यहाँ के बारे में? इस बिल्डिंग के बारे में? मैं कुछ समझा नहीं। छोड़ो ना साहब, आप वैसे टेंशन में हो और वैसे भी धोबी के कुत्ते जैसी हालत हो गई आपकी, आप आग सेको। अरे नहीं, वैसे भी काफी टाइम है हमारे पास, बताओ ना। अब आप इतनी जिद कर ही रहे हो तो सुनिए, ये करीब 12 साल पहले की बात है, जब ये बिल्डिंग नई नई बनी थी, तब इस पूरे एरिया में बस यही एक बिल्डिंग थी, दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं थी। वैसे आप शर्मा जी से मिलने आए हो ना? जी, वो फ्लैट नंबर 23 में रहते हैं ना, उनसे। फ्लैट नंबर 23? क्या हुआ, आप शर्मा जी के नाम से चुप क्यों हो गए? शर्मा जी के नाम से नहीं, फ्लैट नंबर 23। फ्लैट नंबर 23? क्यों, ऐसा क्या हुआ वहां? कुछ हुआ नहीं है, पर उस फ्लैट में एक आदमी रहने आया था, कुछ 30-35 साल की उम्र होगी उसकी। अच्छा अच्छा नहीं साहब, बहुत बुरा। मतलब? जब वो यहाँ पर रहने आया था तब उसके साथ उसका परिवार भी था, उसकी बीवी और एक 4-5 साल की उसकी लड़की। उसके घर से हमेशा लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आती थी। ओ, जब वो यहाँ पर रहने आया उससे करीब 3 महीने तक तो आवाज़ें आती थी, पर फिर बिल्कुल सन्नाटा रहने लगा। उसे घर के दरवाजे भी करीब करीब बंद ही रहते थे। कुछ आस पड़ोस के लोगों ने उसकी बीवी और बच्चे की आवाज़ें सुनी थी, फिर वो भी बंद हो गई। हो सकता है कि वो गांव गए हो, या तो झगड़ों की वजह से उसकी बीवी ने उसको छोड़ दिया हो। नहीं, क्योंकि किसी ने उनको वहां आते या जाते देखा ही नहीं था। तो कुछ वक्त तक तो लोगों ने ध्यान नहीं दिया, पर जब शक हुआ तो उन्होंने पुलिस में कंप्लेन कर दी। तहकीकात से मालूम पड़ा कि वो दरअसल अकेला ही रहता था और अक्सर आवाज़ें उससे घर की टीवी की होती थी। ये तो ऐसी बात हो गई कि खोदा पहाड़ और निकली चींटी। तुम तो ऐसे बता रहे थे जैसे आगे कुछ खतरनाक आने वाला है। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई साहब। हाँ तो कुछ आगे खतरनाक है तो बताओ। कुछ दिनों बाद जब होली का त्यौहार आया, तब यहाँ के लड़कों ने मिलकर एक गड्ढा खोदा था होली जलाने के लिए, और उस गड्ढे में उसकी बीवी की लाश मिली है ना। उसकी बीवी की नहीं साहब, एक आदमी की। एक आदमी की? पर तुमने तो कहा था उसके बीवी बच्चे गायब हुए। किसकी बीवी और बच्चे? अरे उस आदमी की बीवी और बच्चे। उसकी तो कोई बीवी थी ही नहीं। तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। देखो साहब, वो आदमी दरअसल अकेला रहता था, पर उसका दिमागी हालत थोड़ा गड़बड़ था। जब भी देखो किसी को घूर के ऐसे देखता था जैसे कि अभी खा जाएगा उसको। सिर्फ एक वॉचमैन था प्रेम सिंह नाम का, बस उसी के साथ मगजमारी करता रहता था। अच्छा, कहते हैं कि उस आदमी का और प्रेम सिंह का रोज झगड़ा होता था। पुलिस की छानबीन से मालूम पड़ा कि जो लाश उस दिन उन लड़कों को यहाँ मिली थी वो प्रेम सिंह की ही थी। सोसाइटी के लोगों को तो शक था कि उस आदमी ने ही प्रेम सिंह को मारा है, पर पुलिस के पास कोई सबूत ना होने की वजह से और उस आदमी की दिमागी हालत ठीक ना होने की वजह से उसे पकड़ नहीं पाए। तो वो छूट गया? कहाँ है अभी वो? वो मर गया, प्रेम सिंह ने मार दिया उसे। प्रेम सिंह? उसी के घर में फांसी के फंदे से लटका हुआ पाया गया था वो। प्रेम सिंह ने? पर वो तो मर गया था ना? प्रेम सिंह मरा था, उसकी रूह नहीं। उसकी रूह आज भी यहां भटकती है।
अरे तुम मुंबई जैसे शहर में रह के ये रूह आत्मा में विश्वास करते हो? क्यों, मुंबई में भूत नहीं होते? मुंबई में क्या, कहीं पर भी नहीं होते, मैं नहीं मानता। आपके ना मानने से क्या होता है साहब, आज भी इस बिल्डिंग के कंपाउंड में प्रेम सिंह आता है, बल्कि वहां तो जरूर दिखाई देता है जहां उसे गाड़ा गया था। कहां गाड़ा गया था? चलो ना देख के आते हैं। अब क्या हुआ, तुम भी डर गए? मैं नहीं डरता। एक काम करो, मुझे बता दो, मैं जाके आता हूं। उस जगह पर जाने की कोई जरूरत नहीं है साहब, हम वहीं बैठे हुए। यहां कहां? मतलब यहां? अच्छी कहानी थी, देखते देखते 3:30 बज गए, अब मैं चलता हूं। ठीक है साहब, आप जाइए, मैं भी जरा राउंड मार लेता हूं। अरे अरे भाई, आपका नाम तो बताओ। अजीब आदमी है। गेट किसने बंद कर दिया अभी? अरे कौन हो तुम, अंदर कैसे है? मैं पहले से अंदर था। गेट बंद था, तुम अंदर कैसे है? अरे आप सो रहे थे तो दूसरे वॉचमैन ने मुझे अंदर लिया और पीछे लेके गया वहां पे उनकी खोली के पास। तुम चोरी करने आए हो? और कौन सा दूसरा वॉचमैन? मैं ही एक वॉचमैन हूँ यहाँ पे। नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, वो यहाँ पे शर्मा जी रहते हैं ना, वो मेरे जीजू, उनसे मिलने आया था। जीजू वीजू छोड़, पहले मेरे को वॉचमैन से मिला, कौन सा दूसरा वॉचमैन? हाँ मैं मिला देता हूँ, पीछे ही है वॉचमैन। मैं पिछले 1.5 घंटे से बैठा हूँ वहां, उन्होंने आग जला कर रखी है। चलो। हाँ हाँ चलो। ये कौन सा वॉचमैन? मैं सच कह रहा हूं, ये यहां पे बैठा था, 1.5 घंटे से बैठा था यहां। देखो तुम भले घर के आदमी लगते हो, मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूं, इस बिल्डिंग में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, बेहतर होगा कि तुम चले जाओ यहां से। हाँ जाओ। हाँ मैं जा रहा हूं।